सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी आंतरिक कोण की भुजाएं कैसे आपने निकालनी है। आपको जैसे प्रश्न आ सकता है कि किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री का है और उसका भुज निकालो कि वो कौन से बहुभुज है जिसका कि ये कोण 108 डिग्री का होता है। या आपसे पूछा जाता है कि 120 डिग्री वाला कोई बहुभुज है उसकी भुजाएं निकालो, तो उसकी भुजाएं आपने कैसे निकालनी है उसके लिए मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। और इस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मैक्सिमम इस तरह के जो है प्रश्न है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके ड्राइंग मास्टर के डिप्लोमे वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत खास है। यदि आंतरिक कोण दिया हुआ है और उसका आपने बहुभुज निकालना है तो उसके निकालने का एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। सूत्र है एन माइनस टू अपॉन एन इक्वल वाई एंगल अपॉन 180 डिग्री। ये हमारे पास सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि कोण दिया हुआ है तो भुज कैसे निकालना है। देखो मैं आपको लगा के बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे n माइनस टू अपॉन एन, अब हमारे को दे रखा है कि 108 डिग्री का कोई बहुभुज का आंतरिक कोण दिया हुआ है, तो वो बहुभुज हमने बताना है कि वो कौन सा बहुभुज हो सकता है जिसका कि यह कोण 108 डिग्री का होता है आंतरिक कोण। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एंगल की जगह हमने यहाँ एंगल लिख दिया और अपॉन में लिख दिया हमने 180। ठीक है जी, तो वैसे तो इसको हम यदि काटते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे जो आ सकता है 36 दिया 108 होता है और 36 पाँचा जो है वो 180 होता है। यदि हम और सिंपल से इसको निकालते हैं तो जैसे हम निकाल सकते हैं कि 54 दूनी 108, 90 दूनी जो है वो 180। ठीक है, उसके बाद 15 छिका 90 और 9 छिका 54। ठीक है, फिर 3 तिये 9 और 15 तिये 5 तिये 15। ठीक है, तो n माइनस टू अपॉन n इक्वल बाय 3 अपॉन 5। इस तरह से और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये एलजेब्रा के जो प्रश्न है जिनको जिन बच्चों ने पढ़ा है या जिनको पता है इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस टू ब्रैकेट बंद इक्वल बाय 3n। इस तरह से अब यहाँ पर आ जाएगा 5n माइनस 10 इक्वल बाय 3n। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, n n एक साइड कर देने और ये जो सिंगल 10 हमारा है उसको हम दूसरी साइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5n माइनस 3n इक्वल बाय, ये माइनस का है तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आगे हम क्या करते हैं इसको, यहां से ये हो जाएगा हमारा 2n इक्वल बाय 10। अब हम n को साइड करते हैं तो n इक्वल बाय 10 अपॉन 2। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, तो n इक्वल बाय 5। तो यदि हमारे पास 108 डिग्री का कोण दिया हुआ है तो कौन सा बहुभुज बनेगा, पंचभुज। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि यदि हमारे पास एंगल दिया हुआ है तो हमने बहुभुज निकालना है तो बहुभुज हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एक मैं और बता देता हूं आपको, जैसे हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री का, वी एंगल दे रखा है, हमने बहुभुज निकालना है, सूत्र वही है एन माइनस टू अपॉन एन इक्वल बाय एंगल अपॉन 180 डिग्री। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे n माइनस टू अपॉन n इक्वल बाय 120 डिग्री बटे 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम यदि आपस में काटते हैं तो 60 दूनी 120 और 60 तिया 180, सिंपल हो गया। तो n माइनस टू अपॉन n इक्वल बाय 2 अपॉन 3। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह यहां से, तो 3 को ऊपर से जब गुना करेंगे तो 3 ब्रैकेट n माइनस 2 ब्रैकेट बंद इक्वल बाय 2n। अब हम क्या करेंगे, 3n माइनस 3 दूनी 6 इक्वल बाय 2n। अब हम n n को साइड करते हैं तो 3n ये प्लस का था ये माइनस का आ जाएगा 2n।
ठीक है, इक्वल वाई माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 6। अब हम इसको घटाते हैं तो यहां हो जाएगा 1n इक्वल बाय 6। अब क्या आ जाएगा, इक्वल बाय n इक्वल बाय 6 अपॉन 1। इसका मतलब क्या हो गया कि n किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो ये यदि 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ है तो कौन सा बहुभुज बनेगा, षटभुज बनेगा। तो इस तरह से आप किसी भी बहुभुज का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। अब आप सप्तभुज में भी यही सूत्र अप्लाई कर दीजिए, अष्टभुज में भी यही सूत्र अप्लाई कर दीजिए, नौ भुज के लिए भी, मतलब भुज तो निकालने हैं आपने, मतलब एंगल है दिया, आपके पास दिया हुआ है तो कोई सा भी एंगल है, एंगल के जगह एंगल को एडजस्ट कर दो और इस तरह से इसका जो आंसर आप निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग।